भारतीय सेना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह को शहीद वाला सम्मान नहीं मिलने और उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ न होने को लेकर सवाल उठे। पंजाब के रहने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। अमृतपाल का शव प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके गाँव पहुँचा। परिवार का आरोप है कि शव को सैन्य सम्मान के साथ नहीं भेजा गया और अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। अमृतपाल के माता पिता का कहना है कि उनका बेटा शहीद हुआ है और उसे वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। अमृतपाल की मां का कहना है कि उनका बेटा शहीद हुआ है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को वर्दी में क्यों नहीं भेजा गया, उसे पॉलिथीन में लपेट कर क्यों भेजा गया। वहीं दूसरी ओर शुरू से ही अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। अमृतपाल पंजाब के रहने वाले थे। राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने उन्हें सैन्य सम्मान नहीं दिए जाने को सेना का अपमान बताया। क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतपाल के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। अमृतपाल को शहीद मानते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ का चेक सौंपा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और कहा कि अमृतपाल का पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और 2 जवान लेकर आए, आर्मी की कोई यूनिट नहीं आई। उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस लाया गया, ये देश के शहीदों का अपमान है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक्स पर लिखा, पता चला कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अग्निवीर थे, हमें अपने सभी जवानों का सम्मान करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब आया, अग्निवीर अपनी ही राइफल से गलती से उसकी मृत्यु हुई, वो किसी आतंकवादी घटना में किसी और वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको ये ज्ञात है ही है, शायद कांग्रेस वालों को ना हो, कि शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है। इस मामले में भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि अमृतपाल सिंह की मौत से संबंधित तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। संतरी की ड्यूटी के दौरान अमृतपाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, यह परिवार और भारतीय सेना के लिए एक गंभीर क्षति है। आत्महत्या या खुद को पहुंचाई गई चोट के कारण होने वाली मौतों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में 1967 के सेना आदेश के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर या सैन्य परंपरा से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इस नीति का बिना किसी भेदभाव के लगातार पालन किया जा रहा है। सेना की ओर से कहा गया कि 2001 से हर साल 100 से 140 सैनिकों की जान आत्महत्या या खुद को पहुंचाई गई चोट के कारण गई है और उनका सैन्य परंपरा से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए फौरी आर्थिक मदद समेत अन्य राहत राशि प्राथमिकता के आधार पर दी गई। सेना को नीतियों और प्रोटोकॉल के पालन के लिए जाना जाता है और आगे भी जाना जाएगा। भारतीय सेना अपने स्थापित प्रोटोकॉल के पालन के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग की गुजारिश करती है।